तो आज हम अपनी वीडियो जो है वो करेंगे सल्तनत पीरियड के ऊपर। ठीक है, सल्तनत पीरियड में वैसे तो बहुत से वंश हुए थे। ठीक है, सबसे पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी आता है, फिर तुगलक, सैयद, लोदी जो है, ये पांच वंश आते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले आता है गुलाम वंश। ठीक है, उसके बाद फिर कौन आता है जी, तुगलक आ जाते हैं। फिर उसके बाद फिर कौन आ जाता है, गुलाम से खिलजी, सॉरी गुलाम के बाद आता है खिलजी, खिलजी के बाद आते हैं तुगलक, फिर आते हैं जी सैयद, और फिर आते हैं लोदी। ठीक है, ये पांच थे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पांच वंश आते हैं पूरे के पूरे सल्तनत पीरियड में। आज हम करेंगे गुलाम वंश के बारे में। किसके बारे में जी, स्लेव डायनेस्टी के बारे में, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के। ठीक है, कि कैसे मोहम्मद गोरी आया और फिर वो कैसे वहाँ से चला गया, कैसे मृत्यु हुई, सब कुछ जो है पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी रहे वो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करूँगा मैं। सबसे पहले अगर कोई एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत थी ये कितने, कब से कब तक चली, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। ये चली है जी 1206 से लेकर के 1526 तक। बाबर की एंट्री कराएंगे हम 1526 में। इस समय जो है वो पांच वंश आ चुके थे, किस में, दिल्ली सल्तनत में। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे मैप देख रहे हो, ये क्या है जी, ये इल्तुतमिश के समय जो है वो दिल्ली सल्तनत थी। देखो, ये यहाँ से पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया, राजस्थान, हरियाणा, ऊपर पंजाब, हिमाचल, नेपाल, यहाँ बांग्लादेश, और ये उत्तर प्रदेश। ओके, ये सारा का सारा भूटान का कुछ हिस्सा, सिक्किम का, और यहाँ से ऊपर होता हुआ पूरा का पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान का हिस्सा कुछ इतने में जो है, नहीं अफगानिस्तान का हिस्सा यहाँ पे था ऊपर थोड़ा सा ये। ओके, और ये पूरा पाकिस्तान को होता हुआ ऐसे जो है पूरी ये दिल्ली सल्तनत थी। किसके समय, इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश कौन था, अभी आपको मैं बताऊँगा। ठीक है जी, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री दे देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, अगर मैं पहला मुस्लिम इन्वेजन की बात करता हूँ कि मुस्लिम जिसने आक्रमण किया था वो कौन था, सबसे पहले आप ऐसे छोटा सा क्वेश्चन बना लो कि पहला मुस्लिम जिसने भारत पर आक्रमण किया था, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, वो कौन था जी। ठीक है, वो आता है जी आपका मोहम्मद बिन कासिम। कौन आता है जी, वो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन जो कासिम था वो कब आया था, वो 712 AD में जो है यहाँ पे आया था। इसने सिंध को जीता था, इसने किसको जीत लिया था, सिंध को जीत लिया था। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं जी तुर्किश। फिर कौन आते हैं, तुर्किश। पहला तुर्किश आक्रमण जो है वो कब हुआ था, वो तुर्क की अगर मैं बात करने लगे जी, तुर्क। ठीक है, तो ये था जी महमूद गजनवी। कौन था जी, महमूद गजनवी। ये था जी महमूद गजनवी। कब से कब तक आया, 998 से लेकर के 1030 तक आया। अब देखोगे आप कि इतना लंबा टाइम, इतना लंबा टाइम ये इस वजह से था, इसने भारत पर लगभग 17 बार जो है वो आक्रमण किया है। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया है, 17 बार। और इसने 1025 AD में किसको लूटा था, इसने 1025 AD में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसको लूटा था जी, सोमनाथ मंदिर को। क्वेश्चन आ सकता है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। ये कौन था, ये तुर्किश था। ठीक है जी, अब मैं बात करता हूँ कि सेकंड तुर्किश कौन था, सेकंड तुर्किश। पहले की तो हमने बात की है जी, महमूद गजनवी था। दूसरा कौन था जी, मोहम्मद गोरी। दूसरा कौन आता है जी, मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये कब से, 1175 से लेकर के लगातार अपनी कोशिश करता है, और 1206 में फिर जो है वो दिल्ली को हथिया लेता है। ओके, 1175 से 1206 तक जो है वो लगातार संघर्ष करता है। तो फिर आपको पता होगा कि 1192 में जो है इसकी पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई होती है, कि 91 में भी होती है, वहाँ पे हार जाता है। फिर 92 में जो है ये जीतता है,
उसके बाद भी होती है इसकी लड़ाइयाँ, ओके, बट फिर ये एटलिस्ट जो है, एटलास्ट 1206 में ये फिर वहाँ पे दिल्ली की पे गद्दी पे जो है वो बैठ जाता है। ठीक है जी, अब मैं 1206 पर जो है आपको लेकर के चलता हूँ। ठीक है, चलिए एक बार इसको रब करते हैं। तो अपना जो गुलाम वंश है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लेव डायनेस्टी, या आपको हिंदी में जो बोलेंगे तो वो है गुलाम वंश। कई बार क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि ये कब से कब तक चला, तो ये चला था जी लगभग 84 ईयर्स, 1206 से 1290 तक। ठीक है, सबसे पहले अपना किसकी एंट्री कराता हूँ जी, गोरी की। गोरी जीत लिया है दिल्ली, कब जीता, 1206 में। तो गोरी का जो है वो एक गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम से एक गुलाम था। इस गुलाम को फिर, ये पहले तो गुलाम था, फिर इसको गवर्नर बना दिया गया। अब जब गवर्नर बनाया तो उस समय ये गोरी के साथ था, और गोरी ने दिल्ली को जीत लिया। जब गोरी वापस जाने लगा तो इसने पूरा का पूरा जो राज्य था अपने गवर्नर को सौंप दिया। कौन था जी, वो ऐबक था, और ऐबक इसका गुलाम था, इस वजह से इसको गुलाम वंश कहा जाता है। ऐबक को फिर जो है यहाँ की राजकाज मिला, और इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की। इसको एक टाइटल मिला था, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक टाइटल मिला था, उस टाइटल को कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है। इसको टाइटल मिला था जी लाख बख्श का, लाख बख्श का टाइटल किसको मिला था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब इसकी मृत्यु भी होती है, मृत्यु होती है जी 1210 में। 1210 में जो है, कैसे इसकी मृत्यु होती है जी, पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है जी कुतुबुद्दीन ऐबक की, गुलाम वंश जो है जिससे स्टार्ट हुआ था। अब इन्हीं कुछ वर्षों में इसने कुछ मस्जिदें बनवाई, दो महत्वपूर्ण मस्जिदें हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जी, दो महत्वपूर्ण मस्जिदें कौन सी हैं। वो कुआत उल इस्लाम जो दिल्ली में बनवाई थी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कुआत उल इस्लाम, ये कहाँ पे है जी, ये है आपके दिल्ली में। दूसरा है जी अजमेर में अढ़ाई दीन का झोपड़ा, अढ़ाई दीन का झोपड़ा, ये कहाँ पे है जी, अजमेर में है। अब क्वेश्चन इसके ऊपर एक और आ जाता है कि ये किसके जो है वो सम्मान में बनवाया गया था अढ़ाई दीन का झोपड़ा। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, एक बार मैं इसको रब करता हूँ यहाँ से, ये बार किसके उसमें बनवाया गया था जी। ये कई बार क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि जो ये अढ़ाई दीन का झोपड़ा था ये किसकी सम्मान में बनाया गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुबुद्दीन सूफी संत थे ये, इनके सम्मान में अढ़ाई दीन का झोपड़ा जो अजमेर में था वो बनाया गया था, किसके किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनवाया गया था। और इसने क्या किया था, इसने कुतुब मीनार, ओ सॉरी, इसने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी जी, कुतुब मीनार की, और कुतुब मीनार की जो शुरुआत की थी वो की थी जी बख्तियार, सूफी संत जो बख्तियार था उसके सम्मान में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ऐसा नहीं था कि इसने बख्तियार संत के जो है वो सम्मान में बनवाया था, बल्कि इसने कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार की शुरुआत की थी जी, किसके सम्मान में, कुतुबुद्दीन बख्तियार के सम्मान में। ठीक है, दो मस्जिदें थी, कौन कौन सी, कुआतुल इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। एक मीनार बनवाई इसने, कुतुब मीनार जो है वो किसके सम्मान में बनवाई थी जी, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में, ओनर में। चलिए अब मैं बात करता हूँ जी आपके इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का जो है पूरी की पूरी डायनेस्टी आपने यहाँ से ही देख ली है कि कहाँ तक ये फैली थी, याद रखनी है ये। ठीक है, अब जो इल्तुतमिश आता है वो ऐबक का गुलाम था, ऐबक का गुलाम था। इसके बाद ऐबक के बाद जो है आराम बख्श जो है वो गद्दी पे बैठ जाता है, आराम बख्श। इल्तुतमिश ने आराम बख्श को हटाया, इल्तुतमिश ने आराम बख्श को हटाया। इसको एक बार जो है वो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। आराम बख्श, आराम बख्श को किसने हटाया जी, इल्तुतमिश ने।
इल्तुतमिश ने आराम बख्श को हटाया और फिर गद्दी पर बैठा। इस वजह से इल्तुतमिश को रियल फाउंडर कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इस वजह से इसको दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहा जाता है जी, किसको? इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश ने फिर क्या किया, इसने लाहौर की जगह पे, जो कैपिटल थी लाहौर, इसकी जगह पे कैपिटल किसको बनाया जी? दिल्ली को इसने जो है वो कैपिटल बनाया। दिल्ली क्या बना दी गई जी? अब राजधानी जो है वो बना दी गई। कौन बना दी गई? लाहौर की जगह पे दिल्ली। ठीक है, अब चंगेज़ खां आता है। चंगेज़ खां किसके पीछे लगा था जी? ख्वारिज्म शाह के पीछे। ख्वारिज्म शाह एक व्यक्ति थे, इसके पीछे चंगेज़ खां लगा था। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि चंगेज़ खां कौन था? चंगेज़ खां एक मंगोलियन था, मंगोल से था जी, मंगोल से, मंगोलिया से, तो इसके पीछे लगा था। अब ये ख्वारिज्म शाह जो है वो आता है किसके पास? इल्तुतमिश के पास। अब इल्तुतमिश था तो अपना बहुत पावरफुल राजा, बट फिर क्या किया था इसने, जब देखा कि ये चंगेज़ खान बड़ा ख़तरनाक व्यक्ति था, तो इसने इसको, ख्वारिज्म शाह को, शेल्टर देने से मना कर दिया कि जी आप हमारे राज्य में नहीं आ सकते, अगर आते तो चंगेज़ खान आक्रमण करता। इस वजह से इसने चंगेज़ खान के आक्रमण से इंडिया को बचा लिया था। इसने कुछ शुरुआत भी की थी, इसने इल्तुतमिश ने, जैसे सिल्वर कॉइन स्टार्ट किए थे जिसने टंका, क्या थे जी? सिल्वर सिक्के थे, चांदी के सिक्के। ठीक है, इसने ऐसे ही तांबे के सिक्के भी स्टार्ट किए थे जी, इसका नाम क्या था फिर? जीतल, जीतल स्टार्ट किए थे इसने। इकता सिस्टम का शुरुआत की थी, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है जी, इकता सिस्टम। इकता सिस्टम जो है वो किसने शुरुआत की थी? इल्तुतमिश ने। क्या था ये इकता सिस्टम? में सोल्जर और ऑफिसर्स को, जो इसके आर्मी के सोल्जर और ऑफिसर थे, इनको जो है वो ज़मीनें दे दी जाती थी, सोल्जर और ऑफिसर को। कुतुब मीनार को इसने पूरा करवाया, कुतुब मीनार को जो है इसने पूरा करवाया। और किसने शुरुआत की थी जिसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके? वक्त कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में जो है कुतुब मीनार की शुरुआत हो चुकी थी। अब क्या है, 1236 में किसकी मृत्यु होती है जी? इल्तुतमिश की। अब इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान, इसकी बेटी थी, रजिया सुल्तान को नॉमिनेट किया था, परंतु रकनुद्दीन जो है, जो इल्तुतमिश का बेटा था, इल्तुतमिश को पता था कि ये काबिल नहीं है रकनुद्दीन, इसको जो है नहीं बनाऊंगा मैं। बट फिर क्या किया था, इसकी जो माता थी, इसकी मतलब इल्तुतमिश की वाइफ, शाह तुकरान, क्या नाम है जी? शाह तुकरान। इस शाह तुकरान ने अपने बेटे रकनुद्दीन को, 1236 में गद्दी पे बैठा दिया। रजिया सुल्तान कैपेबल थी, इस वजह से उसने इसको हटाया और फिर 1236 में रजिया सुल्तान जो है वो गद्दी पर बैठी। एक बार रब करता हूँ इसको मैं, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो है कब आती है? वो 1236 में आ जाती है। अब एक महिला अगर राजा बनती है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि यह पहली और केवल एक महिला मुस्लिम राजा थी, इसके बाद इससे पहले कोई भी ऐसी मुस्लिम महिला रूलर नहीं बनी, राजा नहीं बनी। अब इल्तुतमिश को पसंद था, बट इल्तुतमिश तो चला गया। ओके, तो लोगों के लिए तो ये अच्छा था क्योंकि इसने अच्छे काम किए थे, रजिया सुल्तान ने आगे भी कर रही थी, बट फिर जो नोबल थे, मतलब जिसके मंत्री थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि एक लेडी जो है अपने ऊपर राज करती है, अपने को हुक्म देती है। तो फिर क्या किया, ऐसे ही और जो गवर्नर थे, जैसे मुल्तान थे, बदायूं, हांसी, लाहौर, इनके गवर्नर ने विद्रोह शुरुआत की, विद्रोह की। कौन कौन से बोले? मुल्तान, बदायूं, हांसी और लाहौर के। ऐसे ही बठिंडा में भी विद्रोह बड़े स्तर पर बढ़ चुका था। कहाँ पे बढ़ चुका था जी? बठिंडा में, बहुत बड़े स्तर पर बठिंडा में विद्रोह स्टार्ट हुआ, और जिसके राजा कौन थे जी? अल्तूनिया। कौन थे जी राजा? अल्तूनिया। अब रजिया सुल्तान जाती है जी अल्तुनिया को समझाने,
किसके साथ जाती है जी, अल्तूनिया को समझाने जो है, इसका एक गुलाम था रजिया सुल्तान का, नाम क्या था जी, याकूत, याकूत के साथ जाती है। जब याकूत के साथ अल्तूनिया के पास जाती है तो अल्तूनिया याकूत को मार देता है, मार देता है, और रजिया सुल्तान को क्या बना लेता है जी, बंदी बना लेता है, बंदी बना लेता है। फिर लास्ट में रजिया सुल्तान अल्तूनिया को मनाती है और इसके साथ क्या कर लेती है, फिर शादी कर लेती है। शादी के बाद जब ये दिल्ली की तरफ आते हैं तो कैथल में, जो हरियाणा में है, कैथल में जो है इनकी मृत्यु कर दी जाती है। कब होती है जी इनकी मृत्यु दोनों की, 1240 में। तो 1240 में इनकी मृत्यु हो जाती है, रजिया सुल्तान और अल्तूनिया की। अब राजगद्दी पे कौन बैठेगा, अब आता है जी बहराम शाह। अब कौन आता है, बहराम शाह, जो कब से कब तक बैठा, 1240 से लेकर के 1242 तक बैठा। अब कोई भी एक लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, ठीक है, दो तीन ऐसे ही आएंगे। उसके बाद फिर आता है मसूद शाह। उसके बाद फिर कौन आता है जी, एक मसूद शाह आता है जो 1242 से 1246 तक चलेगा। अब फिर 1240 में कौन आता है जी, इल्तुतमिश का एक बेटा। इसके बाद आता है जी इल्तुतमिश का एक बेटा होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है जी, नासिरुद्दीन महमूद। क्या है जी जिसका नाम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नासिरुद्दीन, ये आर है, आर, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ने लगभग 20 साल जो है वो राज किया है, लगभग 1240 से लेकर के 1266 तक, ठीक है। अब उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, 1266 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। फिर आता है जी बलबन। फिर कौन आता है, बलबन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन बलबन जो है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा। नाम लिख देता हूँ जी मैं इसका, गयासुद्दीन बलबन, इसका जो कार्यकाल था वो 1266 से लेकर के 1287 तक जो है इसका कार्यकाल रहा, लगभग जो है 21 साल इसने राज किया है दिल्ली सल्तनत में। अब जो ये राजा था बलबन, ये बड़ा चालाक आदमी था, इसकी वजह से इसने क्या किया, अपनी चालाकी से अपने गुप्तचर भी रखे। गुप्तचर कहाँ के लिए रखे थे, ताकि जो अंदर का जो राजकाज था, ठीक है, मतलब जो इसके राज्य के अंदर जो काम था, इसके चाहे वो मंत्री थे, इसके चाहे वो आर्मी चीफ थे, आर्मी थे, मतलब ये था कि अंदर कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। डिस्टरबेंस का मतलब ये है कि इसको कोई गद्दी से उतारने वाला ना हो, इस वजह से इसने गुप्तचर रखे और अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा अपने राजकाज के अंदर, ठीक है। दूसरा, इसने आर्मी को मजबूत किया, आर्मी को मजबूत किया दोनों तरीके से, अंदरूनी से भी और बाहर से भी, ताकि अंदर को भी मैं कंट्रोल कर सकूँ, और बाहर का तो इसने इतना कंट्रोल किया था कि जो मंगोल थे, कौन थे जी, जो मंगोल थे वो अटैक कर रहे थे, उनको भी जो है इसने कंट्रोल करके रखा। इसी वजह से आर्मी को मजबूत बनाने के लिए इसने एक आर्मी डिपार्टमेंट बनवाया, जिसका नाम क्या था, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज। ये क्या था जी, ये था जी आर्मी का डिपार्टमेंट। इसने आर्मी को मजबूत करने के लिए आर्मी का डिपार्टमेंट बनाया, जैसे आज अपने आर्मी का एक रक्षा मंत्रालय है, ठीक है जी, ऐसे जो है इसने एक आर्मी का डिपार्टमेंट बनवाया। अब होता क्या है, जो मंगोल के साथ देखो लड़ाई चल रही थी, ठीक है, मंगोल के साथ लड़ाई चल रही थी, तो इसका गयासुद्दीन बलबन का जो है वो बेटा होता है मोहम्मद, वो मोहम्मद जो था वो मंगोल के साथ, जो मोहम्मद था, किसका बेटा था, ये बेटा था जी बलबन का, ये बलबन का बेटा जो है वो मारा गया। मारा गया कैसे, मंगोल के साथ लड़ता हुआ, जो मंगोलियन थे उनके साथ लड़ता हुआ ये मारा गया। अब बलबन भी बूढ़ा हो चुका था, और जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाता है। परंतु अब ये तो चला गया, अब इसके बाद कौन आएगा, बलबन के बाद इसका पोता होता है जी, कौन होता है, पोता मतलब कि इसका बेटा, नाम क्या है जी, नाम है जी इसका कैकाबाद,
उसको जो है वो राजा बना दिया जाता है। कब बना दिया जाता है जी, 1287 में, क्योंकि 1266 से लेकर के 1287 तक तो किसका राज का चला था, बलबन का। उसका बेटा आनिशा का मर गया था, पोता आया कह का बाद। 1287 से दिल्ली सल्तनत कब ख़त्म करनी है जी, 1290 में, तो 3 साल ही जो है इसका पोता रहा। फिर ये किसके द्वारा मार दिया गया, खिलजी के द्वारा जो है ये मार दिया गया। खिलजियों के द्वारा जब ये मार दिया गया कह का बाद, तब यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का जो है वो अंत होता है। तो अंतिम राजा कौन था जी, कह का बाद था। वहाँ से इसका स्लेव डायनेस्टी का ख़त्म हो जाता है, पतन होता है। कब चली थी जी ये, 1206 में चली थी। कब ख़त्म हुई, 1290 में ख़त्म हुई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अपना स्लेव डायनेस्टी के ऊपर था। अब जो है वो खिलजी वंश स्टार्ट होगा। कब से कब तक होगा जी, 1290 से ये स्टार्ट होगा और आगे तक चलेगा, जहाँ तक भी चलेगा। इस वीडियो के बाद हम खिलजी वंश के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू।